हिंडनबर्ग के विपोर्ट पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ईडी दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस देश में संविधान और कानून सबके लिए बराबर है। कोई भी कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों न हो, जांच होती है और कार्रवाई भी होती है। कांग्रेस को देश की संस्थाओं पर विश्वास ही नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अन्य मुद्दों पर भी जवाब दिया। कांग्रेस पार्टी को सदैव से आप देखेंगे कि जो सरकार की एजेंसियां हैं उस पर कभी भरोसा नहीं है। ये जब चुनाव जीत जाते हैं तो इनके लिए ईवीएम ठीक होता है, जब चुनाव हार जाएंगे तो ईवीएम गड़बड़ है। उसी प्रकार से भारत का कानून सबके लिए बराबर है। जो भी गड़बड़ी करेगा उसको कानून के तहत उसको सजा भी मिलेगी। और ईडी सरकार का एक बहुत बड़ा एक अंग है, और जो भी आर्थिक रूप से किसी प्रकार की गड़बड़ी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उसके खिलाफ ईडी सख्त कार्रवाई करेगी। इसमें कांग्रेस को सहयोग करना चाहिए। अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो ईडी के पीछे इनको पड़ने की आवश्यकता क्या है? ईडी को काम करने देना चाहिए। ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है। तो कांग्रेस, मुझे लगता है कि इनको लोकतंत्र के ऊपर ही भरोसा नहीं है। ये लोगों को झूठा बरगलाने का, अफवाह फैलाने का, जिस प्रकार से सुनियोजित ढंग से पूरे देश में एक वातावरण कर रहे हैं। अभी चुनाव के पहले इन्होंने पूरे देश में कैसी अफवाह फैलाई कि जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी आ जाएंगे तो ये बोल रहे थे कि संविधान ही खत्म हो जाएगा, आरक्षण ही खत्म हो जाएगा, लोगों को गुमराह करने का। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने सदैव जनजाति वर्ग के, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक जनजाति वर्ग के मुख्यमंत्री हैं, देश में हमारे अनुसूचित जनजाति वर्ग के महामहिम राष्ट्रपति हैं। ये काम भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, लेकिन कांग्रेस लगातार जो लोकतंत्र में व्यवस्थाएं हैं, संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं, उसको लगातार प्रहार करती है। ईडी एक संवैधानिक और स्वतंत्र एजेंसी है, इसमें कांग्रेस को सहयोग करना चाहिए।